दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जिंदगी में कैंसर हो ही ना, ये और भी अच्छा है जानना। तो जिंदगी में कभी भी आपको कैंसर ना आए, इसके लिए बस एक ही चीज याद रखिए कि हमेशा जो खाना खाएं, हमेशा उसमें डालडा तो नहीं है, उसमें रिफाइंड ऑयल तो नहीं है, डबल रिफाइंड तो ऑयल नहीं है, ये देख लीजिए एक बार। दूसरा, जो भी खाना खा रहे हैं उसमें रेशेदार हिस्सा ज्यादा है, हाई फाइबरस डाइट जिसको हम कहते हैं, जैसे छिलके वाली दालें खा रहे हैं, छिलके वाली सब्जियां खा रहे हैं, सब कुछ छिलके वाला खा रहे हैं, चावल भी छिलके वाला खा रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कैंसर होने का कोई चांस नहीं। और कैंसर के जो सबसे बड़े कारणों में से दो तीन कारण हैं, एक तो कारण है तंबाकू, दूसरा है बीड़ी और सिगरेट। तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा, वो किसी भी नाम से बिकता हो गुटखा, ये चार चीजों को तो कभी भी हाथ मत लगाइए, क्योंकि कैंसर के मैक्सिमम केसेस इन्हीं के कारण है पूरे देश में। सरकार आजकल भारत की काफी कोशिश कर रही है, बीड़ी सिगरेट पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, गुटखे पर भी अभी कोशिश उनकी जारी है, थोड़े दिन में वो कह रहे हैं शराब पर भी करेंगे। तो जैसे जैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, हम कैंसर से बचेंगे। कैंसर के बारे में सारी दुनिया एक बात कहती है, डॉक्टर्स हों, एक्सपर्ट्स हों, साइंटिस्ट हों, कि इससे बचाव ही इसका उपाय है। हाँ बता देता हूँ, अभी दो मिनट में ही बता देता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट करें, किसी का या हमारे परिवार का तो ध्यान रखें, उसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई तो कुछ कोशिश मत करिए, फायदा नहीं आएगा, आपको भी डिप्रेशन आ जाएगा जब आप देखेंगे कोई रिजल्ट नहीं। अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है, इंग्लिश मेडिसिन उसकी नहीं शुरू हुई है, उसको एलोपैथी नहीं स्टार्ट हुई है, तो जरूर आप ये कर दीजिए, आपको 99% रिजल्ट मिल जाएंगे इसमें। हाँ वो भी दे सकते हैं, गेहूं को बोना और उसके जो किल्ले निकलते हैं उसका रस निकाल के देना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ दे सकते हैं। एक हम गल कीते जी तुसी भई सिगरेट तंबाकू गुटखे दा ज्यादा हुंदा, पर यह मैक्सिमम प्रॉब्लम है जिहड़ी लेडीज़ च पाई जांदी है, इहदे की कारण है? हाँ बहुत अच्छा, महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर है यूट्रस में, गर्भाशय में, और महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर हो रहा है उनके स्तनों में, ब्रेस्ट में, काफी तेजी से बढ़ रहा है, ट्यूमर होता है फिर बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो माताओं को, बहनों को क्या करना चाहिए जो जिंदगी में कभी ना आए, आपके लिए सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि जैसे ही आपको आपके शरीर के किसी हिस्से में अनवांटेड ग्रोथ का पता चले, अनवांटेड ग्रोथ माने जो आप नहीं चाहते और वो हो गई, रसौली हो गई, गांठ हो गई, तो इमीडिएट आप कॉशियस हो जाएंगे। हालांकि दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि सभी गांठ और सभी रसौली कैंसर नहीं होती है, 2-3% ही गांठ ऐसी है जो कैंसर में कन्वर्ट होती है, लेकिन आपको चिंता तो माने कॉशियस होना तो पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें, माताओं को सबसे अच्छा तरीका है, कहीं भी रसौली हो गई, गांठ हो गई, इसको जल्दी से जल्दी गलाना, इसको जल्दी से जल्दी घोल देना, तो इसकी दुनिया में सबसे अच्छी दवा है चूना। शरीर के किसी भी अंग में गांठ हो जाए, रसौली हो जाए, ट्यूमर हो जाए, जो नॉन कैंसरस है, बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। चूना वही जो पान में खाया जाता है, चूना वही जो पुताई में इस्तेमाल किया जाता है, पान वाले की दुकान से चूना ले आइए, अभी तो पैकेट में मिलना शुरू हो गया है, उस चूने को कनक के दाने के बराबर रोज खाइए। अब खाएंगे कैसे, सीधे जीभ पे लगाएंगे तो जीभ फट जाएगी, तो उसको खाने का तरीका है, पानी में घोल के पानी पी लीजिए, दही में घोल के दही पी लीजिए, लस्सी में घोल के लस्सी पी लीजिए, दाल में डाल के दाल खा लीजिए, सब्जी में डाल के सब्जी खा लीजिए, कहीं भी शरीर में गांठ है तो। एक ये हो गई जी गल, जो पता लग गया गांठ हो गई, आम तौर पर जो मेरे निगाह केस है, क्योंकि मैं इस कैंसर पेशेंट के नाल मैं 4 साल चलिया है जी, पता करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो भी माताओं को
पेट में रसौली हो जाएगी, उनकी मेंसेस साइकिल पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, उससे पता चलेगा, खून बहुत ज्यादा आएगा, और 28-30 दिन में मेंसेस आना चाहिए, वो 15 दिन में ही आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 12 दिन में आ जाएगा, 14 दिन में आ जाएगा, और हो सकता है कि वो एक हफ्ते चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले, ब्लीडिंग बहुत होगा, थकान बहुत आएगी, शरीर में कमजोरी बहुत हो जाएगी, तो उससे तुरंत भांप लीजिए कि रसौली हो रही है या हो चुकी है। बाद में कंफर्म करना है तो सोनोग्राफी करा लीजिए। चूना लगातार कितना चल रहा है? चूना वही 3 महीने खा के 15 दिन ब्रेक करके फिर 3 महीने है जी, 3 महीने खा के थोड़े दिन छोड़ना ही है, नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा वो भी जान लीजिए। नहीं अगर गांठ ना हो तो भी खा ले। हाँ बहुत अच्छा, अगर गांठ नहीं है तो भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी खुद ही बताने जा रहा हूँ कि वो क्या क्या करेगा, लेकिन अभी बात चल रही है माताओं को, बहनों को, कहीं भी गांठ हो जाए, वो गर्भाशय में हो सकती है, शरीर के बाहर कहीं भी, बाहर की गांठ तुरंत पता चल जाएगी, आप शुरू कर सकते हैं। अंदर की गांठ पता करने का एक ही सरल उपाय है कि उनके मासिक की जो गड़बड़ी है वो नोट करिए, या तो बहुत खून जा रहा है, या तो उनको हर 10-15 दिन पे मेंसी शुरू हो रहा है, और या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इसका उल्टा, 2-3 महीने लगातार मासिक ही नहीं आएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो वो भी एक संभावना हो जाती है रसौली होने की, गांठ होने की। और एक आखिरी है कि अगर माँ शादीशुदा है, उसके पति के साथ उसका संपर्क है, तो संपर्क के समय बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो मान लीजिए कन्फर्म है कि वो गांठ हो गई। तो इन 4 कंडीशंस को पता करके आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि आपको चूना की जरूरत आ गई है। ये चूना सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती दवा है, साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, बिल्कुल मिनिमम है, और दुनिया की सब दवाएं इसी चूने से बनती हैं जो रसौली को गलाती है। होम्योपैथी में रसौली को गलाने की कई दवाएं हैं, उनके नाम है, कैल्केरिया फॉस है, कैल्केरिया कार्ब है, कैल्केरिया फ्लोर है, कैल्केरिया आयोड है, कैल्केरिया आर्स है, ये सब चूने से बने। तो वो सब बताऊं उससे अच्छा मैंने आपको माँ बता दी जिससे ये सब दवाएं बनती है, चूना ही है वो। तो चूना आपको खाना है, खिलाना है, कितना खाना है, एक बार में एक डोज कनक के दाने के बराबर, दही में घोल के, पानी में घोल के, लस्सी में घोल के, दाल में घोल के, सब्जी में घोल के, चावल में डाल के, खिचड़ी में डाल के, एक चीज छोड़कर किसी में भी घोलिए, दूध, दूध छोड़कर किसी में भी मिला के चूना खा लीजिए। अब ये तो हुआ रसौली, अब जिनको रसौली नहीं है आपने कहा वो भी खा लें, तो क्या क्या करता है ये चूना ध्यान दे दीजिए। इससे बढ़िया दवा शायद भगवान ने नहीं बनाई कोई, मैंने इसका 12 साल बहुत अनुभव किया है, इस चूने से ऐसे ऐसे बीमारी ठीक होते हैं कि आप हैरान हो जाए। ये दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।